नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज़। मैं हूं हरिकेश कुमार तिवारी। आज फिर से मैं पहुंचा हूं पश्चिम चंपारण जिले के चनपटिया प्रखंड के बेतिया डी पंचायत में। कल इसी पंचायत में यहां के वर्तमान जो मुखिया हैं अलाउद्दीन शाह, एक गंभीर आरोप लगाया था जान की खतरा और कमीशन के लेकर, और ये आरोप लगाया था विपिन कुमार राय के ऊपर। मैं उसी विपिन राय के घर पे पहुंचा हूं सच्चाई जानने के लिए। बिहार न्यूज़ हरदम सच्चाई के पक्ष में रहता है और इसके लिए जड़ तक पहुंचने का प्रयास करता है। उसी कड़ी में आज मैं पुनः बेतिया डीह पंचायत में आ चुके हैं। मेरे साथ जुड़ रहे हैं विपिन राय, जो उप मुखिया पति है। विपिन राय जी, सबसे पहले बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। क्या आपके ऊपर यहाँ के स्थानीय जो मुखिया हैं अलाउद्दीन शाह जी, एक गंभीर आप पे आरोप लगा रहे हैं कि आप उनको जान से मार सकते हैं और उनसे कमीशन के लिए आप झगड़ा तकरार करते हैं, क्या मामला है, सच्चाई क्या है? सर देखा जाए, सच्चाई यही है कि जो भी चीज़ बोल रहे हैं मुखिया जी हमारे, वो मुखिया जी मनगढ़ंत कहानी बना के बोलते हैं। अगर ये चीज़ सच्चाई थी तो आज तक के मुखिया जी कहाँ थे? आज तक जब ये आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं कि हम उनसे कमीशन मांग रहे हैं या उनको मारने की धमकी दे रहे हैं, तो आज तक वो हमारे ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं किए? जब हम उनके छानबीन में पड़े कि काम आपका सही नहीं हो रहा है, उस काम को दुरुस्त किया जाए, उस काम को सही किया जाए, तब हमारे ऊपर अपने बचाव के उसमें पक्ष में वो हमारे ऊपर मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। इसके लिए एक और आपसे हो रहा है कि आपके जो उप मुखिया जो हैं उनके बदले आप जाते हैं ऑफिस वगैरह में, मीटिंग वगैरह में, उन आम सभा में, क्या सच्चाई है? सच्चाई उसका यही है कि हम उप मुखिया पति हैं, हमारे उप मुखिया का नाम कनक राय है। सबसे पहली बात ये है कि जो एलिगेशन हमारे ऊपर मुखिया जी लगाए हैं, सबसे पहली बात ये है कि आज तक ना तो कोई मीटिंग हुई है हमारी, अगर हुई है तो उसको प्रूफ में दिखा दें हमारे को, किसे कोई रजिस्टर मेंटेन दिखा दे उस डेट में या कोई वीडियो दिखा दे। जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है तो दूसरा चीज़ आज तक हम कोई योजना कराया ही नहीं है, तो हम साइन किस चीज़ पे कर देंगे? और जो भी बात हुआ है हम नहीं गए हैं, हम अपने वाइफ को लेके गए हैं, उप मुखिया को लेके गए हैं, लेडीज होने के नाते वो बाइक नहीं चलाती है, हम खुद उनको लेके गए हैं। जहाँ तक सिग्नेचर का सवाल है कि आज तक कोई भी ऐसा प्रूफ हमको दिखा दे मुखिया जी कि उनके जगह पर हम साइन किए हों। जितने भी अनलीगल हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो अपने बचाव के चलते लगा रहे हैं, क्योंकि आज जब देख रहे हैं कि हम चंगुल में अब फंसने वाले हैं। सबसे अहम मुद्दा ये है कि हमारे जो मुखिया जी हैं वो रिमोट, वो बैटरी से नहीं चलते हैं जी। बैटरी और रिमोट कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि बैटरी का मतलब हुआ सेल्फ डिसीजन, खुद से काम करना, और रिमोट का मतलब हुआ कि दूसरे के हाथ से चलना। तो हमारे जो मुखिया जी हैं वो रिमोट कंट्रोल से चल रहे हैं। इस चीज़ को हमारी पूरी जनता, पूरी पंचायत से पूछा जाए, और जो आरोप हमारे ऊपर लगा रहे हैं, उस दिन वहाँ पे 100 आदमी इकट्ठा था, 100 से ज़्यादा आदमी था, हम टोटल आदमी को इकट्ठा कर सकते हैं। अगर एक आदमी कोई उसमें से बोल दे कि हम ऐसा बोल सकते हैं या ऐसा बोले हुए हैं, तो गवर्नमेंट या सरकार, यानी आपके ऊपर जो आरोप लग रहा है बेबुनियाद है। बिल्कुल बेबुनियाद है। अच्छा, हमको उनके जो साहिर हैं हमको फंसाने की साजिश में लगे हुए हैं ताकि ये साइड हो जाए, क्योंकि ना ये रहेंगे ना ये हकीकत की खोज करेंगे। और यहाँ के वार्ड, यहाँ के जो और भी बाकी वार्ड सदस्य हैं उनसे पूछ लिया जाए कि आज तक मुखिया जी का हमारा हकीकत क्या है। सबसे पहले हम मुखिया जी के बारे में कुछ बोलना चाहते हैं, क्योंकि मुखिया जी को वो चीज़ पता नहीं है जी। जी, मुखिया जी को साइनिंग अथॉरिटी के अलावा यहाँ पे कोई काम नहीं है। हम मुखिया जी से ये पूछना चाहते हैं कि वार्ड नंबर 1 में एक छठ घाट का निर्माण हुआ है, हमारे मुखिया जी भी बोलेंगे हम चार छठ घाट का निर्माण कराए हैं, तो उसमें उस वार्ड का वार्ड सदस्य हैं, मतलब एक महिला है जी, उनका नाम जी वाकिफ नहीं है, क्योंकि हम उप मुखिया है नहीं, हम उप मुखिया है नहीं, तो नाम हमको वाकिफ नहीं है जी, जी। लेकिन उसका काम कराए सत्येंद्र राय, उस वार्ड का उसमें ना तो कुछ कहीं कुछ नहीं है। और हमारे सत्येंद्र राय यहाँ के एक जाने माने व्यक्ति हैं, ऑलरेडी उनका एक स्कूल चलता है, और उस आदमी के अकाउंट में वेज, यानी वेज का मतलब होता है कि लेबर का मतलब मेट जी, और इनके अकाउंट में 1 लाख रुपया गया हुआ है। सत्येंद्र राय कब से लेबर बन गए? हम अपने पंचायत सचिव साहब से, जेई साहब से, और मुखिया जी से इसके ये जा रहे सारे एलिगेशन लगा रहे हैं अपन, इसके लिए आपने ऊपर कहीं गया प्रशासनिक के दृष्टिकोण से कि हाँ इस तरह का हमारे पंचायत में घटना घट रहा है? जी जी बिल्कुल। कहाँ कहाँ गए हैं? हम डीओ साहब के पास गए।
अच्छा। लेकिन हमारे पास उस टाइम कोई प्रूफ नहीं था, हम ऐसे गए कि इसका जांच बीच किया जाए, तो हमारे वीडियो साहब हमको बोले कि हमको लिखित चाहिए, हम मौखिक कुछ नहीं सुनेंगे। क्या लिखित आपने दिया? जी नहीं, पहले हम अपना सबूत इकट्ठा किए, अब जाते हम उनके पास, उससे पहले हमारे ऊपर जब उनको पता चल गया कि अब हमारे हमारे पीछे मतलब लगे हुए हैं कि हमारे सबूत इकट्ठा कर रहे हैं, तब हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन लगाना शुरू कर दिए। यहाँ पे कई वार्ड भी मौजूद है, मैं उनसे कुछ भी जानना चाहूँगा। वार्ड जी आप कोई हो तो आप यहाँ उपस्थित हो सकते हैं। क्या क्या यहाँ पे आप लोग के साथ समस्या हो रहा है? कितने नंबर वार्ड से आप हैं? 14 नंबर वार्ड से हैं। क्या नाम हुआ आपका? विलास प्रसाद। विलास प्रसाद, क्या समस्या हो रहा है आपके साथ? जी, और सबको साइड रखते हैं जी, तो इसके लिए आप लोग आवाज़ कहीं बुलंद किए हैं? बुलंद क्या करें कि घर पे बैठे, जनता तो आपको चाहता है। बुलंद करेंगे तो ये एलिगेशन आएगा जहाँ जन से मरने की धमकी दे रहे हैं, यही तो उनका मुखिया जी का फंसाना है, तो कौन आवाज़ उठाएगा? अच्छा, तो आप कभी मुखिया जी से इस बिंदु पर मिले हैं? हम बोले हैं, एक बार नहीं 20 बार बोले हैं, जहाँ हमारा हमको काम दीजिए, वो बोल रहा है जहाँ ये देंगे वो देंगे, लेकिन आज तक 14 नंबर वार्ड। आप कितने नंबर, देखिए एक और सज्जन मिले, आप कितने नंबर वार्ड से? 2 नंबर का वार्ड सदस्य है, हमारी पत्नी है। अच्छा, तो आपकी पत्नी है? हाँ। तो आप तो हमको क्या कहना है आपको? तो मैं वही ना, हमारी पत्नी है, हम लोग बोले कि चलो भाई मुखिया जी हमको भी ये काम दीजिए। हाँ हाँ, मिलेगा मिलेगा, आज तक देखो काम नहीं दिए हमको। ये वार्ड लोग हैं और इन लोग का सीधे तौर पे कहना है कि यहाँ पे जो मुखिया जी हैं हम लोग के साथ सही बर्ताव नहीं कर रहे हैं। एक और हैं, क्या नाम हुआ आपका? नाम है मोहम्मद कुर्बान अंसारी। कितने नंबर वार्ड से हैं? 9 नंबर। क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम मुखिया से जो बात कहते हैं, मुखिया जी हमको भी मेरे कुछ काम दिया जाए, तो मुखिया जी टाल मटोल। तो आप लोग वीडियो साहब से मिलिए, DM साहब के, जिला अधिकारी से मिलिए, सही है क्या? इस पर जा रहे हैं आप लोग? हाँ जरूर जाएंगे। तो सीधे तौर पे आप देख सकते हैं कि बेतियाडी पंचायत के जो वार्ड सदस्य हैं और दूसरी ओर विपिन राय जी हैं जो उप मुखिया पति हैं, जिन पर गंभीर आरोप लगा था, आज बिहार न्यूज उसका भी पर्दाफाश किया और उनके द्वारा सीधे तौर पे कहा गया है कि मेरे ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लगे हैं बेबुनियाद है, बेबुनियाद है। बेतिया पश्चिम चंपारण से हरिकेश कुमार तिवारी, बिहार न्यूज़।